भारतीय टीम के लिए राह इतनी भी आसान नहीं। भारत विश्व कप में लगातार जीत हासिल कर रहा है, जिससे कि टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं। भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुकी है और इस दौर में किसी भी टीम के लिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। वर्ल्ड कप के अगले दौरे के लिए टीम इंडिया को खेल के हर विभाग में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। भारतीय टीम को क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में बड़े स्कोर का पीछा करना पड़ सकता है। यदि ऐसा होता है तो इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए यह पहला मौका होगा जबकि उसे बड़े स्कोर का पीछा करना पड़े। हालांकि भारत ने अभी तक खेले गए मैचों में शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया है, लेकिन भारत के बल्लेबाज स्लॉग ओवर्स में रन गति बढ़ाने के प्रयास में अपने विकेट बड़ी जल्दी गंवा देते हैं। ऐसे में भारत को संभल कर खेलने की जरूरत है। भारत अगर क्वार्टर फाइनल में जीत हासिल करने में सफल होता है तो सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होना संभव है। न्यूजीलैंड इस विश्व कप में सबसे विध्वंसक टीम है। न्यूजीलैंड इस विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड व श्रीलंका जैसी बड़ी टीमों को पानी पिला चुकी है। न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रैंडन मैकुलम आजकल फॉर्म में है, साथ ही कोरी एंडरसन व कीन विलियमसन भी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने इस विश्व कप में सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। इंग्लैंड को बहुत ही कम स्कोर में रोकने में न्यूजीलैंड अपने प्रमुख गेंदबाज टिम साउदी के 7 विकेट लेने में कामयाब हुई थी और न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड पर धमाकेदार जीत दर्ज की थी। ऑस्ट्रेलिया को 151 रनों पर रोकने में न्यूजीलैंड के दूसरे तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने कमाल दिखाया था। ऐसे में भारत को एक सुलझी हुई रणनीति के साथ मैदान में उतरने की जरूरत होगी ताकि न्यूजीलैंड के विजय रथ को रोककर एक बार फिर विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया जा सके। भारतीय टीम को हर विभाग में अपने खेल में सुधार करना होगा जिससे न्यूजीलैंड को उसी की धरती पर हराया जा सके।